ये कौन है? अरे आप तो लेट आने वाले थे ना। क्यों, मैं अपने घर जल्दी नहीं आ सकता? अरे वो मेरा दोस्त है ना, उसके घर पे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। कल तक उसकी शादी थी तो कल तक तो ठीक था, लेकिन आज सुबह वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा घर ही चला जाता हूँ, इसलिए मैं आ गया। लेकिन ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, वो मेरे घर पे रुकने के लिए आई थी। मुझे डर लग रहा था ना, रात को आप थे नहीं, इसलिए मैंने इसे बुला लिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो प्लीज मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो। ठीक है, मैं 2 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ, आप जाओ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। उठ। क्या हो गया? ये बोल के क्या नहीं हुआ, पहले तो धीरे से बात कर। मेरा पति आ गया सुबह सुबह, मुझे तो पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, तभी तो मैंने तुझे ये रात को ही चुन्नी उड़ा दी थी। अब तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर उठा और चुपचाप से पिछले गेट से निकल जा। बस बस बस, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता चल गया है कि तू मेरी पीठ पीछे क्या कर रही है। अरे तुझे क्या लगा तू इसको चुन्नी उड़ा के लेटा देगी, मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मुझे तुझ पे पहले से ही शक था, और मोहल्ले वाले भी बोलते थे कि जब मैं जॉब पे चला जाता हूँ यहाँ पे लड़के लोग आते हैं, और मैंने देख भी लिया कि मेरी पीठ पीछे क्या होता है। अरे किस चीज़ की कमी रही तुझे, रहने में खाने में? अच्छा घर दिया, अच्छा खाना दिया, और तूने फिर भी इतनी गंदी हरकत की। देखो सनी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है, और जो हरकत तूने आज की है ना बिल्कुल गलत की है। तुझे इसका एहसास आज नहीं होगा, तब होगा जब तू एक अच्छे इंसान के लिए तड़पेगी। और रहो ऐसे हजार लोगों के साथ, करो अपनी लाइफ एंजॉय, लेकिन मेरे घर के बाहर, मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज माफ कर दो। बस चुप करो, अगर तुम लॉयल होती और मैं करप्ट होता तो तुम क्या करती मेरे साथ? दो मिनट लगते तुम्हें मुझे घर से बाहर निकालने में, और ना जाने क्या क्या केस मुझ पे लगा देती। प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ सनी। सॉरी माय फुट, मुझे ना तुम्हारी शक्ल देख के भी नफरत हो रही है, और तुम्हारी शक्ल ज्यादा देर देखूंगा ना तो पागल हो जाऊंगा मैं। निकलो मेरे घर से दोनों के दोनों।